हमारी आज की कहानी है धनतेरस और सोना। चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रा का संयुक्त परिवार था, सास ससुर, दो जेठ जेठानियां जिनके दो दो बच्चे थे, सब एक ही घर में रहते थे और सुमित्रा के भी दो बच्चे थे। तीनों भाइयों की सरकारी नौकरी थी और तीनों औरतें हाउसवाइफ ही थी। सभी का खाना एक साथ ही बनता था और हर महीने होने वाले खर्चे के तीन हिस्से हो जाते थे। बाकी अपने पर्सनल खर्चे सब अपने अपने हिसाब से करते थे। सुमित्रा की सासू माँ पुष्पा जी को हर साल धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदने की आदत थी। भले वे कोई छोटी सी चीज ही खरीद लें, पर कुछ ना कुछ खरीदते जरूर थे और यही आदत उन्होंने अपनी बहुओं में भी डाली थी। इसलिए तीनों बहुएं अपने अपने हिसाब से धनतेरस पर खरीदारी जरूर करती थी और ज्यादातर चीजें अपने बच्चों को ध्यान में रखकर ही खरीदती थी। धनतेरस आने ही वाली थी, लेकिन अचानक पुष्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। आनन फानन में सभी ने मिलकर अपने अपने स्तर पर हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाए। क्योंकि पुष्पा जी और उनके पति के पास अलग से कोई जमा पूंजी नहीं थी, उन्होंने बच्चों की शादियों में और घर बनवाने में ही उनका सारा पैसा खत्म कर दिया था और तब उन्होंने दिल खोलकर खर्चा किया था। क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि हमारे तीन तीन बेटे हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। वैसे तो परिवार में सब अच्छा ही था, बेटे बहू सब मिलकर ही सबका खर्चा उठा रहे थे, लेकिन इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराने के कारण खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। हॉस्पिटल भी महंगा था क्योंकि वहाँ का इलाज बहुत अच्छा था। पुष्पा जी का इलाज चल रहा था, इतने में डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए पहले ऑपरेशन का पैसा आप हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, तभी हम ऑपरेशन चालू कर सकेंगे। और थोड़ा जल्दी जमा करवाइएगा क्योंकि इनकी हालत थोड़ी नाजुक है और ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा। डॉक्टर से ऑपरेशन के खर्चे के बारे में पूछा तो पता चला कि ऑपरेशन महंगा था और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। अब क्या करें, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, सभी बहुत परेशान हो गए। परेशानी का कारण पुष्पा जी की तबीयत तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था कि अब ऑपरेशन का इतना खर्चा कैसे करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। डॉक्टर के सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा और यही कहा कि करते हैं डॉक्टर साहब कुछ इंतजाम। तीनों भाई और तीनों बहुएं इकट्ठे होकर ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, ऑपरेशन का पैसा कैसे जुटाया जाए। सुमित्रा कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले उसकी दोनों जेठानियां बोल पड़ी। दोनों ने कहा कि हमने जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे बच्चों के लिए बचा रखा है वो तो हम नहीं दे सकते, और फिर धनतेरस भी आ रही है, सोना खरीदने के लिए हमने पैसे बचाए हैं तो सोना खरीदना भी जरूरी है, इसलिए कोई और उपाय हो तो देखते हैं।